अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमेचर ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात की जाएगी इंस्टॉल एंड्रॉयड एप्स ऑन योर पीसी और लैपटॉप। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी एंड्रॉयड एप्स को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें ब्लू स्टैक्स है, एंडी है, लेकिन मैं आज आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मेमू प्ले एमुलेटर। ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके एंड्रॉयड की जो एप्स हैं वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकता है। आपके कंप्यूटर को एज ए मोबाइल के तौर पर आप अपना यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप अपने मोबाइल में एप्स यूज़ करते हैं, इसी तरह आप अपने कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकेंगे। और ये बहुत ही ईजी और बहुत ही लाइट सॉफ्टवेयर है, कोई ज़्यादा आपकी मेमोरी यूज़ नहीं करता, बहुत ही आसानी से यूज़ होता है, कोई हैंग नहीं करता आपके सिस्टम को। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से अपने ब्राउज़र के न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ और गूगल पे टाइप करता हूँ मेमू प्ले और एंटर कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, ये इसका ओरिजिनल एक वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ से फाइल इप्पो से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन 300 MB का सॉफ्टवेयर है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप इस डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोडिंग लिंक आपको दे देगी। ये तकरीबन 321 MB का सॉफ्टवेयर है। यहाँ से जब आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने चूँकि इसे पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ और डायरेक्ट इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसका सेटअप डाउनलोड किया हुआ है। ये देखिए, ये बिल्कुल एंड्रॉयड की एप्स जिस तरह से मोबाइल में यूज़ होती हैं, इसी तरीके से ये कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करेगा। मैं यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और अब इसने ये इंस्टॉलिंग स्टार्ट कर दी है। ये इसमें कुछ वक्त ले सकता है, जो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलिंग का टाइम होता है वो हमारे सिस्टम पर है, वो आपके सिस्टम पर है कि वो कितना स्पीड में इसे इंस्टॉल करता है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप भी इसे यूज़ कीजिए। मैंने तो इसे यूज़ किया है, ये बहुत अच्छा रिस्पांस देता है, कोई इतना हैवी नहीं है, ब्लू स्टैक से बहुत बेहतर है, कोई आपके कंप्यूटर को इतना हैंग नहीं करेगा। अगर आपके पास 2 GB रैम भी है तो भी आप इसे इजीली अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, जबकि ब्लू स्टैक 2 GB में भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को हैंग करता है। जब उसे चलाया जाता है तो बहुत ही डिस्टर्ब करता है, आप कोई और काम इतनी आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन आप इस सॉफ्टवेयर में आप और काम भी आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर इस वक्त मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुका है, इसके आइकन भी डेस्कटॉप पे शो हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ से इसके लॉन्च पे क्लिक करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप में लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से प्रोसेस कर रहा है और यहाँ से मुझे इसने वर्किंग के लिए ऑप्शन दिया है। मैं यहाँ से इसको नॉट मोर पे भी करूँगा क्योंकि ये मुझे रीबूट का पूछ रहा है कि इस सॉफ्टवेयर की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको एक दफ़ा अपने लैपटॉप को रीबूट करना होगा। मैं इसे बाद में कर लूँगा रीबूट, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अभी मैं आपको इसको प्ले इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे कुछ टिप्स वगैरह दी जा रही हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में, आप इनको देख लीजिएगा, जिसमें ये बहुत सी चीज़ें बता रहा है कि आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये एंड्रॉइड इज़ अपग्रेडिंग, ये ऑप्टिमाइजिंग एप्स कर रहा है, जो इसमें एप्स ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हैं ये उनको ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, कि यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं, ये की मैपिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप इंस्टॉल ऐप अपने कंप्यूटर में जो आपकी एंड्रॉयड की ऐप्स पड़ी हैं वो आप इस यहाँ इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए इसमें वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल ऐप टू फ़ोन, के आप अपने फ़ोन पर भी इसकी ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसके ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से इसका मेन्यू है, ये सेटिंग्स है, ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का है, ये GPS सिमुलेशन है और ये शेयर्ड फोल्डर है। यहाँ से ये बैक जिस तरह से मोबाइल में आप होता है, ये होम स्क्रीन और ये रीसेंट ऐप, जिस तरह से आप अपने मोबाइल में रीसेंट ऐप देखते हैं यहाँ से भी आप ये चीज़ देख सकते हैं।
प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से ये स्टार्टिंग एप्स और फिनिशिंग बूट पर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेमो प्ले इस वक्त मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुका है, जिसमें फेसबुक लाइट है और प्ले स्टोर की जो ऐप है और यहाँ से मेमो गाइड है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए हो तो यहाँ से आप क्लिक करके उस पर हेल्प ले सकते हैं मेमो गाइड पे। ये सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपने मोबाइल के एंड्रॉयड ऐप्स अपने कंप्यूटर और पीसी में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इंस्टॉल एंड्रॉयड ऐप्स इन योर पीसी और लैपटॉप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।